अब वक्त आ चुका है तुक्का 11 का। टोटल स्कोर क्या है? टोटल स्कोर दिखाओ भाई, वो 500 की दौड़ का टोटल स्कोर दिखाओ। जिद कर रही है, आंसू आ रहे। वाह, मरियम नफीस लीड कर रही है 21 पॉइंट से लीड कर रही है। इट्स अ वेरी क्लोज कॉम्पिटिशन रज़ाक भाई, किसी भी दिन ये गेम पलट सकती है, आप जीत सकते हैं। आप हिंट्स लेना शुरू करें, आप जीत जाएंगे। आप मुझसे भरोसा रखो। अब कल की जो प्रेडिक्शंस हुई थी, मैंने कहा पेशावर ज़ालमी, रज़ाक भाई ने कहा पेशावर ज़ालमी, और उन्होंने भी कहा पेशावर ज़ालमी, यासिर शाह ने। और सिर्फ एक ही खातून है जिनको शायद क्रिकेट की समझ है, क्रिकेट की समझ बूझ है, क्रिकेट की नॉलेज है, वो है मरियम नफीस। उन्होंने कहा इस्लामाबाद यूनाइटेड। भाई शादाब और ये आजम खान, दो लड़के जो इनके दोस्त है ना उस टीम में, ये आपके से हो रहे हैं सब कुछ, हम बेइज्जत हो रहे हैं यार। तुक्का 11 का स्कोर -100 पे पाकिस्तान का अजीम होस्ट, -100 पे पाकिस्तान का अजीम ऑलराउंडर, और -50 पे पाकिस्तान का अजीम लेग स्पिनर, और 150 ली हुई है। ना 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 अजीम नहीं है, अजीम ना अजीम है ना कदीम है। 150 और क्रिकेट से भी कोई लेना देना नहीं है। हाँ? बात सुनो मरियम, याद रखना ये बात गाइस। मरियम, हम हार रहे हैं आपसे, और ये मैं देख बहुत ज्यादा हार रहे हैं। हर शो पर खवातीन जो है वो भंड मार रही हैं, हमारे शो पे खवातीन जीत रही हैं यार, डिफरेंस। अच्छा, अब ऐसा है, कल का मैच है क्वेटा वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। पहले मैं आवाम से पूछूंगा, कल कौन जीतेगा? क्वेटा। यासिर भाई कौन जीतेगा? क्वेटा। रज़ाक भाई कौन जीतेगा? इस्लामाबाद। उन्होंने कहा बहुत ज्यादा हो रही है, डर गए। हाँ, मरियम कौन जीतेगा? इस्लामाबाद इंशाल्लाह। कोयटा जीतेगा यार कल। प्लीज सैफी भाई, प्लीज यार, बेइज्जती हो रही है यार भाई।